हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आकाश कर सीरीज। तो दोस्तों, आज हम लेके आ गए एक और नई वीडियो जो कि है हुंडई क्रेटा की, और जो है ब्लैक कलर। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि जैसे जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हों हर अलग अलग कलर की, लेकिन अगर एक ब्लैक कलर की कोई भी कार खड़ी हो तो वो ब्लैक कलर की कार ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है कंपेयर करने में अलग और अदर कलर की कारों से। तो इसमें आज हम लगाने जा रहे हैं फ्रंट की जो ग्रिल है वो लगाने जा रहे हैं इसमें, ओजी ग्रिल जिसको बोलते हैं, मतलब जो कंपनी लगा देती है कुछ टॉप मॉडल की गाड़ियों में। तो इसमें हम पहले लगाने जा रहे हैं गैलियो का प्राइमर, जो कि आपके जो डबल टेप है उसको पकड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो कि बहुत अच्छे से पकड़ता है। और ये स्मेल ऐसा करता है जैसे जो सॉल्यूशन जो सूंघते हैं ना, जो नसीडी होता है वो वाला, वैसा इसी ये स्मेल करता है। तो इसको लगाने से फ़ायदा ये रहता है दोस्तों कि जैसे अगर हम मतलब कोई भी डबल टेप वाला काम कर रहे हैं, कोई भी किसी कोई भी आइटम डबल टेप से चिपका रहे हैं और ये प्राइमर अगर यूज़ करके चिपका है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चिपक जाता है, उसकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है। और भी ये जो मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा, कुछ पहले तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आप जो देख रहे हो ये पहले अभी सिर्फ साइड में यू वाला ग्रिल लगा हुआ है, फिर अभी हम इसमें पूरा ग्रिल सेट करेंगे। तो वो आप देख के हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है ग्रिल आपको। उसके बाद इसमें हमने ज़्यादा कुछ काम किया नहीं, पर हमारे कस्टमर को जो है, ये बहुत अच्छे कस्टमर है ये हमारे, मतलब इनको मार्केट में ये वाली आइटम कहीं मिल नहीं रही थी, तो ये आइटम हमने ऑर्डर करके इनको लिए मंगवा के दिए, और ये भी हमारे काम से बहुत सेटिस्फाई हुए हैं, मतलब काम इन्हें अभी अच्छा लगा हमारा, और इसलिए हमने ये डिस्काउंट भी दिया। प्लस जो हमने एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, जो मतलब ऑर्डर एडवांस ऑर्डर करने पे जो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, वो भी हमने ज़्यादा नहीं लिया इनसे, मतलब 500 रुपये लिए थे एडवांस के, तो उतना तो चलता है ना, तो इसलिए वो। फिर अब हम इसमें जो ग्रिल लगा रहे हैं ये हम पहले भी इसमें प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं, ये साइड साइड भी यू ग्रिल के लिए है जो पहले मैंने मतलब जो पहले से लगा दिखा दिया वीडियो में, तो वो अब पहले इसमें प्राइमर लगाएंगे, फिर उसके बाद इस पर ग्रिल लगाएंगे, तब जाके इसकी पकड़ अच्छी हो जाती है। मतलब ये लगाने के बाद हमने खुद देखा कि ये हिल नहीं रहा था ज़रा भी। तो ये है, और दोस्तों हमारी वीडियो आप लोग देखते ज़रूर हो पर सब्सक्राइब कोई नहीं करते, तो प्लीज़ हमारी वीडियो सब्सक्राइब करें, हमारा सॉरी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 3,000 पहुँचने में बहुत कम नंबर लेके बैठे हुए हैं, मतलब 2198 नंबर है हमारा चैनल सब्सक्राइबर का, हमारा 2198 है, तो आप हमें सपोर्ट करें। तो आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें एंगेज्ड फील होता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें देख रहे हैं, तो हमें भी और एंगेजिंग फील होता है, थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है। तो ये इसमें यू ग्रिल लग गई है, ये एक बार बस टच करना था और ये चिपक गई पूरी अच्छे से। फिर इसको हमने माइक्रो फाइबर जो कपड़ा होता है उससे दबा के प्रेस कर दिया। माइक्रो फाइबर कपड़ा यूज़ करने से ये भी फ़ायदा होता है कि कहीं भी आप बॉडी में माइक्रो फाइबर कपड़ा यूज़ कर रहे हो तो आपकी बॉडी पे या फिर कोई भी क्रोम पार्ट है तो उस पर स्क्रैच नहीं आएंगे। और दोस्तों, जब गाड़ी आपकी गीली हो या फिर उस पर हल्का भी डस्ट पड़ा हो तो उसको आप कपड़े से मत साफ़ करना, क्योंकि उस पर जो बहुत माइक्रो और नैनो स्क्रैचेस आ जाते हैं, जो कि धूप में गाड़ी जब चमकती है तो वो खुद दिखता है। इस गाड़ी में नहीं दिख रहा है क्योंकि ये अभी गाड़ी बहुत फ्रेश है, भले गाड़ी 4-6 महीने की हो गई है पर गाड़ी इन्होंने बहुत मेनटेन करके रखा हुआ है, इसलिए इस पर कोई स्क्रैचेस नहीं दिख रहे हैं। तो आप माइक्रो फाइबर कपड़ा यूज़ किया करो गाड़ी पोंछने के लिए, और जब गाड़ी पे डस्ट वगैरह लगा रहा है तो गाड़ी मत पोछा करो, पहले आप गाड़ी पानी से धुल लिया करो हल्का, फिर उसके बाद पोछा करो। और हमेशा आप यही याद रखो कि माइक्रो फाइबर का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कपड़ा अब्जॉर्ब कर लेता है। प्लस 800 GSM से 800 GSM प्लस तक का ही माइक्रो फाइबर यूज़ करें, क्योंकि वो फिर फ़ायदेमंद होता है, वो ज़्यादा अच्छा यूज़ में आता है और कुछ दिन ज़्यादा अच्छे से चल जाता है, मतलब 3-4 साल तो कपड़ा आराम से वो चलता है, 3-4 साल बोल रहा हूँ मैं, सॉरी 1-1.5 साल आराम से चलता है, और 250 का 300 का मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। और उसका मैं माइक्रो फाइबर कपड़े का मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी चेक कर लेना माइक्रो फाइबर कपड़ा। और ये जो प्राइमर है मैं इसकी भी वीडियो डाल दूंगा। तो जैसे आपके जो डोर वाइजर्स होते हैं, रेन वाइजर्स जिसे हम वो भी बोलते हैं, या फिर गेट में जो डोर गार्ड होते हैं, ये मैं आप देख रहे हो जो वीडियो में डोर गार्ड होते हैं जो गेट के एज पे लगे हुए रहते हैं, तो ये सब भी अगर आपको निकलने का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक बार डबल टेप उस डोर गार्ड में लगा के आप उसमें ये प्राइमर अप्लाई करके बॉडी पे, पहले पहले आपको बॉडी पे प्राइमर लगाना है, फिर उसके बाद आप उसको चिपका रख देंगे तो वो अपने आप बढ़िया से चिपक जाएगा, हल्का सा आपको ऐसे ही कपड़े से दबा के प्रेस कर दे रहे हैं तो वो अच्छे से पकड़ अपनी बना लेगा, चाहे वो डोर वाइजर हो या फिर आपका डोर गार्ड हो, इसलिए आपको वो प्राइमर यूज़ करना है। मैं आपका प्राइमर का भी छोटे वाले प्राइमर का जो आपके यूज़ में हमेशा आता रहे, 10 ml के प्राइमर का मैं आपको लिंक डाल दूंगा, तो वो आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे और ख़राब वेस्ट भी नहीं होगा। थोड़ा महंगा ही आता है, 150 रुपये 10 ml का आता है। अब उसके साथ आपको एक रुई भी मिलती है, रुई कापूस बहुत सारे वर्ड होता है उसके, कॉटन बोलते हैं, हाँ कॉटन मिल जाएगी, तो वो भी आप उस पर कॉटन से आप उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास सूती कपड़ा हो, सूती को क्या बोलेंगे, कॉटन का कपड़ा हो
आप उस पर भी लगा के प्राइमर को आप बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो। ये जो आप देख रहे हो, ये हम पहले इसमें हमने प्राइमर लगाया हुआ है, फिर इसमें हमने ये ग्रिल चिपका रहा है इस पर, जो कि बहुत अच्छे से पकड़ लिया। ये अभी बारिश हुआ था इसलिए हमने पहले इसको हीट गन से पूरा सुखाया है, ड्राई किया है पूरा, जितना भी ये देख रहे हो आप जहाँ पे हम ग्रिल लगा रहे हैं। फिर उसके बाद हम इस पर प्राइमर लगाया, फिर हमने इस पर ग्रिल चिपकाई है। तो ये एक बार चिपकने के बाद दोबारा हिल ही नहीं रहा था, इतना अच्छा सख्त हो गया था, पकड़ लिया था अच्छे से। तो इसको लगाने के बाद भी हमने इसके ऊपर ब्लोअर मारा हल्का, उसके बाद हमने इस पर वो मतलब ब्लोअर मारने के बाद हमने इस पर कपड़ा मारा, फिर ये एकदम अपना इसका काम कंप्लीट हो गया। अभी मैं जैसा आप पहले देखे थे, अभी आप ये देखो धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, तो इसकी लुक बढ़ते जा रही है सामने से। तो मतलब अगर आप नीचे से देख रहे हो तो हल्का सा MG एक्टर का लुक आ रहा है इस पर, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है इस पर। ये मैं प्राइमर अप्लाई कर रहा हूँ इस पर। उसके बाद जो आप मैं माइक्रो फाइबर बता रहा था आपको, जो माइक्रो फाइबर होता है वो आप डुअल टोन वाला लेना, दो साइड होता है उसमें। एक साइड से तो आप अपना बॉडी का काम कर सकते हो, बॉडी अपना पोछ सकते हो, और दूसरे साइड से आप ग्लास में ग्लास पोछ सकते हो। उससे क्या होता है, ग्लास को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, पानी अगर पानी के ड्रॉप्स अगर गाड़ी के ग्लास पे है तो वो उस पर वो स्टेन्स पड़ जाते हैं, मतलब पानी के दाग पड़ जाते हैं बहुत तगड़े वाले, जो कि साफ़ नहीं होता, फिर आपको वो पॉलिश करवा के हटवाना पड़ता है। और जो विंडो सॉरी जो ग्लास होता है उसकी स्मूथनेस भी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा होता है ना कि रात को अगर आप जब गाड़ी चला रहे हो तो सामने से कोई भी गाड़ी आ रही हो तो उसका अगर लाइट आपके शीशे पर पड़ा तो पूरा वो चमक जाता है आँख पे, तो वो आँख पे पड़ती है तो वो फिर गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए आपको हमेशा अगर गाड़ी के ग्लास पे पानी वानी का पानी वानी के छींटे रह गए तो वो आपको हमेशा पोंछ लेने चाहिए, और वो भी आप हमेशा माइक्रो फाइबर से ही कपड़े से ही पोंछो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होता है। नॉर्मल आप कोई भी कपड़े वपड़े से पोंछते हो उससे क्या होता है, स्क्रैचेज आते हैं ग्लासेस पे भी। ज़रूरी नहीं है कि शीशा काटने के लिए हीरा यूज़ किया जाए, छोटे छोटे कपड़े भी उसके अच्छे काम करते हैं। तो ये हमारा ग्रिल लग के कंप्लीट हो गया है। आप हमें कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है आपको, और आपको और कैसी वीडियो मैं दे सकता हूँ जो आपको और पसंद आए। तो ये देखो, ये हम अभी इस पर आप ब्लोअर मार रहे हैं, उसके बाद हम इस पर लास्ट एक बार कपड़ा और मारेंगे। आप देख ही रहोगे, आज पहली बार तो इतने दिन बाद तो हमारे एरिया में पानी बारिश हुई है। तो ये अभी हमने इस पर हीट गन मार दिया तो ये और सॉफ्ट होके और अच्छे से चिपक गया। उसके बाद अभी ये साइड का लुक है, अब देखो आप कैसा लग रहा है ये आपको। इसमें मैं आपको बिफोर और आफ्टर की फ़ोटो भी डाल दे रहा हूँ, आप वो भी देखो कैसी लग रही है वो। बाकी थंबनेल में तो देख ही लिया होगा आपने बिफोर और आफ्टर की फ़ोटो। ये मैं इस पर लास्ट फाइनल कपड़ा मार रहा हूँ माइक्रो फाइबर कपड़े से। मैं माइक्रो फाइबर कपड़े का लिंक और प्राइमर का लिंक दोनों ही मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप दोनों ही चेक कर सकते हो। दोनों ही मतलब मैं ओरिजिनल ब्रांड के डाल दूंगा, तो आप दोनों कोई भी ले सकते हो, और कपड़ा भी ज़्यादा महंगा नहीं रहेगा, 250 250 250 के रेंज का कपड़ा अच्छा आ जाएगा।